क्लास जो होते हैं दे जनरली 40 माइक्रोमीटर इन साइज एंड कंटेन्स अबाउट 20 क्लोजली पैक्ड ओवर न्यूक्लियस। ये इनएक्टिव सेल की बात होती है, ठीक है। तो एक्टिव सेल्स होते हैं दे आर वेरी लार्ज इन साइज अप टू 150 माइक्रोमीटर एंड मे कंटेन अप टू 50 न्यूक्लियस, ठीक है। अगर इनएक्टिव सेल्स जी बच्चों अपने माइक से आप लोग बात करते हैं, जब बात करनी है तभी खोला करें, ठीक है। जो इनएक्टिव सेल होगा वो बेसिकली आपका जहर है वो जब तक वो अपनी वो नहीं कर रहा, एक्टिविटी नहीं कर रहा, रिजॉर्प्शन नहीं कर रहा, तो वो इनएक्टिव फॉर्म में होता होता है, ठीक है। एक्टिव सेल्स है उसके अंदर क्या होता है कि आपका उसका साइज इंक्रीज हो जाता होता है और उसके न्यूक्लियर इंक्रीज हो जाते होते हैं। न्यूक्लियर लोकेटेड फार्थेस्ट फ्रॉम द बोन सर्फेस, ठीक है। बोन की सर्फेस की जहां पर रिजॉर्प्शन हो रही होती है वहां से बहुत फार लोकेटेड होते हैं, ठीक है। एंड द साइटोप्लाज्म ऑफ द एक्टिव ऑस्टियोप्लाज्म पार्ट्स एसिडोफिल है ड्यू टू द बर्डन माइटोकॉन्ड्रिया एंड लाइसोसोम, ठीक है। यहाँ पे जाहिर है एसिडोफिलिया हो रहा है, यहाँ पे एक्टिव हमें ज्यादा माइटोकॉन्ड्रिया चाहिए और ज्यादा लाइसोसोम। लाइसोसोम इसलिए चाहिए क्योंकि बोन रिजॉर्प्शन बेसिकली आपके लाइसोसोम ही करते होते हैं, ठीक है। एंड दे ऑल्सो कंटेन मैनी गॉल्जी कॉम्प्लेक्सेस जी। ठीक है बच्चों, अगर तो आपका प्रोटीन फॉर्मिंग सेल होगा तो वो उसमें क्या होता है दैट इन पार्ट बेसोफिलिया, और अगर आपका ऐसा सेल्स होगा जो सेल्स होंगे जो कि इस तरह की एक्टिविटी जहां पे लाइसोसोम को ज्यादा एक्टिव होना चाहिए, यहां जहां पे माइटोकॉन्ड्रिया अबंडेंट होंगे वो कैसे नजर आते हैं, वो एसिडोफिलिक नजर आते हैं, ठीक है। अगर आप ये देखो तो ये आपको सेल्स नजर आ रहे हैं बेचारे इंटेंसली एसिडोफिलिक, बहुत ज्यादा पिंक कलर के ये नजर आते होते हैं क्योंकि इसके अंदर क्या है बहुत ज्यादा लाइसोसाइम्स है एंड ऑल्सो द माइटोकॉन्ड्रिया। ओके ओके, द बॉर्डर ऑफ द लोअर पार्ट ऑफ एन ऑस्टियोप्लास्ट एग्जिबिट फिंगर लाइक प्रोसेसेस ड्यू टू द डीप इनफोल्डिंग्स ऑफ द प्लाज्मा लेमा ऑल्सो नोन एज द रफल्ड बॉर्डर। आपको नजर आ रहा है बच्चों रफल्ड बॉर्डर किधर है, ये आपकी डीप इनफोल्डिंग्स बनी हुई है आपकी किसकी प्लाज्मा लेमा की डीप इनफोल्डिंग्स बनी हुई है, ठीक है। ये ऐसे फिंगर लाइक इनफोल्डिंग्स बनी हुई है, ठीक है। और उसको हम क्या कहते हैं ये इसकी लोअर सरफेस है जहां से बोन की रीअब्सॉर्प्शन होती है रिजॉर्प्शन होती है, ठीक है। ओके, द पेरिफेरी ऑफ द रफल्ड बॉर्डर इज सराउंडेड बाय अ क्लियर जोन सीलिंग जोन व्हिच इज रिच इन द एक्टिन फिलामेंट्स एंड फर्मली एंकर्ड